आज मैं आपको मैं राजन मलिक पहले तो एसटीसी चारबाग लखनऊ से बोल रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है फायर क्लासिफिकेशन, कि आग से होने वाले नुकसान और उनके बचाव। तो आम आदमी को ये चीज पता ही नहीं होती है कि आग लगने का कारण और उसको किस तरह से बुझाया जाए। ये जानकारी कमी होने से, जानकारी की कमी होने की वजह से इसमें काफी लॉसेस वगैरह हो जाते हैं। अगर हमको प्रॉपर इसकी जानकारी हो जाएगी कि ये आग हमारी किस चीज की लगी है, कौन से ग्रुप में आती है और उसको बुझाने का प्रॉपर तरीका क्या है, तो हम बहुत कुछ हादसे इसमें बचाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आग लगती है तो उसमें बहुत नुकसान होता है, हर चीज का नुकसान होता है, टाइम का नुकसान होता है, स्किल का नुकसान होता है, ह्यूमन बींग का नुकसान होता है और मनी का भी नुकसान होता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी जानकारियां अगर कलेक्ट कर लें अपने पास और इसको बचाव के तरीके हम जान जाए और इसका प्रचार अच्छी तरह से हो जाए तो काफ़ी बड़े हादसे भी टल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि फायर क्लासिफिकेशन में इसकी कितनी क्लासेस होती है, फायर कितने प्रकार की होती है, कितनी क्लास में बटा हुआ है और इसके बचाव। तो आइए देखते हैं, फायर क्लासिफिकेशन में दिख रहा है, देयर आर सिक्स क्लासेस ऑफ फायर। ठीक, तो इसमें आते हैं, इसको हम लोग ने कैसे बांटेंगे, क्लास ए नंबर वन, नंबर टू है क्लास बी, नंबर थ्री क्लास सी, नंबर फोर क्लास डी, नंबर फाइव क्लास ई एंड लास्ट क्लास एफ। क्लासिफिकेशन में इसको छह क्लासेस में इसको बांटा हुआ है, क्या देर आर सिक्स क्लासेस ऑफ फायर। आप इधर देखिए, जैसे ये क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई एंड एफ, ये हमारी सिक्स उसकी क्लासेस हैं इसकी फायर की। तो उसमें हमने अब ये बताना है कि क्लास ए में हमारे कौन कौन से आइटम्स आते हैं, क्लास बी में, सी में, एफ में पूरा कौन कौन सा आता है। तो हमारा क्लास ए में आता है फ्लेमेबल पेपर्स हो गया, जैसे वुडन आइटम्स हो गए, क्लॉथ हो गया एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ये आ गया हमारा, ये हमारा क्लास ए में आएगा। कि पेपर लगा हुआ, कहीं ऑफिस में बैठे हुए हम लोग तो पेपर में आग लग सकती है, हमारा टेबल चेयर है उसमें वुडन में लग सकती है, कपड़े बड़े होते हैं कपड़ों में लग सकती है, तो उसको हम लोग ने क्लास ए में उसको रखा है। और क्लास बी में हमारा फ्लेमेबल लिक्विड आता है, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड पेंट, क्योंकि इसमें भी जब भी आग लगेगी ये हमारा क्लास, क्योंकि इस क्लास के हिसाब से ही हमको आगे बचाव के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करना होगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा आइटम कौन सी क्लास में आता है, उसके लिए हम लोग ने कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। उसी तरह हमारा क्लास सी में आता है फ्लेमेबल गैसेस, जैसे कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस हो गई, एलपीजी हो गई, मीथेन हो गई और ब्यूटेन हो गई। इन अगर गैसेस में आग लगेगी तो इसका बुझाने का भी हमारे पास एक्सटिंग्विशर डिफरेंट टाइप का होता है, तो ये हम लोग ने इसको क्लास सी में डाला हुआ है। और क्लास डी में क्या आइटम आता है, फ्लेमेबल मेटल्स, मेटल्स में किसमें आग लग सकती है, मैग्नीशियम वाला में हो गया, एल्युमिनियम हो गया एंड पोटेशियम हो गया, ये आइटम हमारा जितने मेटेरियल जितने फ्लेमेबल आइटम होते हैं ये क्लास डी में आएंगे। क्लास ई में, जैसे ई से ही पता लग रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आएंगे, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए एंड इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल्स। यहाँ पे एक दिखाने सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे बताने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अगर ये रनिंग कंडीशन में चल रहा है, अगर इसको पीछे से पावर सप्लाई हो रही है कंप्यूटर को या ट्रांसफार्मर को या इलेक्ट्रिक वायर में पीछे से पावर सप्लाई है और उस बीच में अगर ये आग लगती है तो
इसकी क्लास अलग होगी, और अगर हम उसका कनेक्शन काट देंगे पीछे से, पावर सप्लाई को स्टॉप कर देंगे, तो इसकी क्लास दूसरी हो जाती है। कि उसके कनेक्शन काटने के बाद, पावर सप्लाई स्टॉप करने के बाद, अगर कंप्यूटर वगैरह में, ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है, तो उसकी क्लास हमारी चेंज हो जाएगी। और लास्ट है क्लास एफ। एफ में हमारे किचन आइटम्स आते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया और फैट्स हो गया। इनके द्वारा लगी हुई आग जो भी आता है, वो उसको हम लोग क्लास एफ में इसको रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले क्लास ए बी सी डी ई एफ में हमारे कौन कौन से आइटम्स आते हैं। जैसा कि ये सामने सब लिखा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आइटमों में अगर आग लग जाएगी तो उसको बचाव के तरीके अब मैं इसे बताऊंगा। और बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज है, अगला जो टॉपिक है वो और इंटरेस्टिंग है, तो उसको प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ओके, अब यहां पे एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास होते हैं 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो विभिन्न विभिन्न क्लासेस में उसका यूज किया जाता है। तो पहला है हमारा वाटर, दूसरा है फॉर्म फॉर्म के रूप में, तीसरा है हमारा ड्राई पाउडर, चौथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और पांचवा है हमारा वेट केमिकल। अब इस वाटर वाले एक्सटिंग्विशर को भी हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। ये हमारा पहला है वाटर मिस्ट, एंड नंबर टू है हमारा, इसको ऊपर लिखते इधर, नंबर टू है वाटर स्प्रे। ठीक है, वाटर मिस्ट इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो ये यूज किया जाता है। वैसे देखा जाए तो अगर ये 5 है, और इसी तरह ही हमारे ये ड्राई पाउडर के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा ड्राई पाउडर, स्टैंडर्ड, एंड सेकंड ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म, ये फॉर्म के रूप में होता है, जो एक झाग के प्रकार आती है। तो अब इसके यूज हम कहां कहां करते हैं। वाटर वाला जो यूज है, ये हमारा, ये दोनों चीजें हमारी क्लास ए में यूज करेंगे हम लोग। याला कौन सा है, जो नंबर 1 वाटर जो फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको हम कहां यूज करेंगे, क्लास ए में। क्लास ए में हमारा क्या क्या आता था, मैं फिर से एक बार मोटा मोटा लिख देता हूं, पेपर्स, वुडन आइटम्स एंड क्लॉथ एंड और प्लास्टिक आइटम्स। ये अगर इनमें आग लगी है तो इसको बुझाने के लिए हमारा ये वाटर फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा। उसमें 2 प्रकार के हैं, वाटर मिस्ट एंड वाटर स्प्रे, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर इन केस अगर ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है, तो आप देखते होंगे कि वर्कशॉप में वहां बाल्टियों में उसमें बालू हो गई, मिट्टी हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो भी हम इसमें एडेंडम अगर कोई जरूरत पड़ गई और हमारे पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है, तो हम लोग उसमें आग में अपना मिट्टी भी डाल सकते हैं, बालू डाल सकते हैं, मोरंग डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, तो इस तरह की आग को हम काबू कर सकते हैं। और इसका इसको मेन पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या है, इसका जो कलर कोड है ये होता है ब्राइट रेड। ये ब्राइट रेड कलर में होता है, इसकी पहचान होती है। उस सिलेंडर के ऊपर ही एक लेबल लगा होता है, उसमें कलर कोड भी लिखा होता है, और कईयों में वो लिखा भी होता है कि ये किस चीज का है, और उसमें पूरा लिखा होता है। मेन कोड जो है, अगर कलर कोड आपको पता है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये अगर ब्राइट रेड है तो ये हमको पानी, इसमें जो क्लास ए में आइटम में जो आग लगी हुई है, जैसे पेपर्स हो गया, वो वुडन वर्क हो गया, वो आइटम हो गया, और क्लॉथ वगैरह हो गया, तो उसमें हमको इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है।
ये बहुत ही ध्यान से देखने वाला है, इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। तो ये हो गया हमारा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, और इसका यूज भी आपको पता लग गया कि किस आइटम में इसका हमने यूज करना है। इसी प्रकार हमारा नंबर दो हो गया फॉर्म एक्सटिंग्विशर, तो इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म वाला का इसका जो यूज है क्लास ए प्लस बी में यूज कर सकते हैं। क्लास ए और बी, आपको पता ही होगा कि क्लास ए में हमारे वुडन आइटम है और हमारे क्लास बी में जो पेट्रोल लिक्विड आइटम था, जैसे पेट्रोल डीजल और पेंट। तो ये हमारा ए और बी, इसमें इन दोनों में, ये इन दोनों में हमारा ये फॉर्म वाला यूज हो सकता है, ये हमारा इन दोनों में ए और बी में फॉर्म वाला हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यूज हो सकता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे ड्राई पाउडर में, तीसरा नंबर वाला हमारा है ड्राई पाउडर। तो इसका यूज क्या, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीसीपी भी कहते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर डीसीपी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी डीसीपी। अब ये हमारा एक हो जाला हो गया, तीसरे नंबर वाला मैं आपको बता रहा हूं ड्राई पाउडर वाला, और इसका जो कलर कोड है ड्राई वाले का कलर है जो, ये हमारा कलर होता है ब्लू, ये हमारा ब्लू कलर का होता है, सिलेंडर के ऊपर ही ये इसका ये कोड लिखा होता है, डीसीपी भी लिखा होता है कई जगह पे ये ड्राई पाउडर केमिकल पाउडर में, और इसका कलर हमारा ब्लू होता है। और इसको हम तीन इसमें क्लास में यूज कर सकते हैं, कैसे, क्लासेस कौन सी हमारी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम सी में भी क्लास ए बी, जैसे ये दो में यूज हो रहा था हमारा ए और बी में, उसी तरह ही हमारा ये ड्राई पाउडर जो है हमारा डीसीपी, ये हमारा तीन तरह की क्लासेस में ये यूज हो सकता है, ये इसमें हमारा तीन क्लासेस में हमारा ये ड्राई पाउडर हमारा यूज हो जाएगा, ड्राई पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर हमारा तीनों क्लास में हो जाएगा, इसलिए इसको एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। कि आपको समझ में आ जाए कि जो ए क्लास में आइटम आ रहे हैं, बी क्लास में आइटम आ रहे हैं और सी क्लास में जो आइटम आ रहे हैं, उसके लिए हमारा ये वाला क्या कहते हैं ड्राई पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर हमारा यूज होगा। कलर कोड से आपको बहुत मदद मिलेगी, और अगर ये थोड़ी सी भी जानकारी है, अगर आप जागरूक हैं और तो आप ये एक बहुत बड़े हादसे को आप टाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा CO2 कार्बन वाला, इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे क्लास ई में है तो ई के नाम से ही आपको पता लग रहा है इलेक्ट्रिक आइटम्स, इसमें यूज होता है, और इसका हमारा जो कलर होता है इलेक्ट्रिक आइटम्स में, इसका कलर होता है हमारा ब्लैक, ये हमारे इलेक्ट्रिक आइटम्स में यूज होता है, और इसका भी यूज हम लोग जो CO2 वाला जो हमारा है, इसका यूज हम लोग F और B में भी कर सकते हैं, इसमें किसमें, F और B यूजेस B क्लास प्लस एफ क्लास, इसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे बी क्लास वाले आइटम जो हो गए,
ये हमारे जो बी क्लास वाले आइटम हो गए और हमारे ई क्लास वाले आइटम हो गए, तो इन दोनों में हम ये वाला यूज कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिक आइटम्स में। उसका कलर कोड होता है हमारा ब्लैक, और इसका दोनों ग्रुप में इसका यूज किया जा सकता है। और लास्ट वाला आइटम हमारा आ गया वेट केमिकल। कौन सा? वेट केमिकल। तो वेट केमिकल में हमारा क्या था? कुकिंग। कुकिंग में हमारा क्या था इसमें? कुकिंग ऑयल एंड फैट्स वगैरह कुछ है जैसे, तो उसमें अगर आग लगेगी तो इसको बुझाने के काम में हमारा ये वेट केमिकल वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा। तो ये हमारे थे पांच तरह के केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर वाले। तो हमारा हर क्लास के बारे में मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि कौन सी क्लास में कौन सा हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आप जागरूक हैं और अच्छी तरह से आपको समझ है, तो आप एक वाकई बहुत महत्वपूर्ण रोल आप अदा कर सकते हैं कि एक बड़ा हादसा टालने में आप एक हीरो की तरह सामने आ सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि ये छोटा सा प्रयास शायद आपको समझ में आए, अच्छा लगे और एक बड़े हादसे को टालने में मदद करें।